सर आप मल्ला मुकेश साहनी ने इशारों में किया संजय निषाद पर हमला। संजय निषाद को बताया समाज का गद्दार। मोदी से बोले मुकेश साहनी, निषाद नेता को गुलाम बनाकर नहीं मिलेगा निषादों का वोट। संजय निषाद नहीं आरक्षण दिलाएगा निषादों का वोट। बिहार की सियासत में सर आप मल्लाह नाम से छा जाने वाले मुकेश साहनी निषादों को लामबंद करने के लिए निकल पड़े हैं। वीआईपी पार्टी बनाकर मंत्री बनने वाले मुकेश साहनी ने मंत्री पद जाने के बाद ऐलान किया, जो उनके समाज को आरक्षण देगा निषाद उसे वोट देगा। आरक्षण मुद्दे पर निषादों को एकजुट करने के लिए मुकेश साहनी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 101 दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा के दौरान वह बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद पहुंचे और निषादों को संबोधित करते हुए संकल्प दिलाया कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ, तभी समाज आगे बढ़ेगा। तिकोनिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुकेश साहनी ने खुद को निषादों का सच्चा नेता बताते हुए संजय निषाद को गद्दार कह दिया और प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि निषादों को आरक्षण दोगे तो वोट मिलेगा। निषाद नेता को गुलाम बनाने या उनके बेटों को सांसद विधायक बनाने से निषाद समाज वोट नहीं देने वाला। अगर सर उठा के जीना है तो दो काम करना है, दो काम में एक काम जो है एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर परिस्थिति में कितनी भी मजबूरी हो उसको झेलिए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। हक और अधिकार चाहिए और एक तरफ दीजिए और एक हाथ से लीजिए। अगर नहीं आप हमारी सुनेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। उन लोगों को घमंड है क्योंकि बड़े लोग हैं, हमारे पूर्वज को 75 साल से पैरों तले दबा के रखा था, गुलामी की जंजीर बांध के रखा था, उसमें से हम लोगों ने संघर्ष करके आज खड़ा हुए हैं। उन लोगों को खबरम है कि चुनाव का समय होगा और निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे और जब वोट बिक सकता है तो इनके लिए क्यों काम करें, उनको भरम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2023 का निषाद का बेटा अब वोट बेचने के लिए नहीं है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। लोगों का भ्रम है कि निषाद का बेटा का वोट चुनाव के समय बिकता है। अभी हमारा हर एक निषाद का बेटा हर गांव-गांव में घर घर में जाएंगे और एक एक निषाद का बेटा गंगा माता का सौगंध खाएंगे, संकल्प करेंगे कि पार्टी जो निर्णय लेगा पार्टी के साथ रहेंगे, जो हमारी आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे संकल्प के साथ आप देख रहे हैं कि कितने बड़े संख्या में निषाद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये गांव-गांव जाएंगे, एक एक लोगों को संकल्पित कराएंगे। पूरे बिहार में तो खैर गंगा जलमय हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश में और झारखंड में 80 लोकसभा सीट जिला है जहाँ पर हम लोग जाने का काम करेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास वो ताकत है कि 60 लोकसभा सीट हराएंगे और जिताने का क्षमता रखते हैं। और आने वाला समय में हमारी आरक्षण की लड़ाई है और इससे पहले भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि निषाद का जो वादा आपने किया था 2015 में या उससे 2020 में या 14 में, आप वादा को पूरा कीजिए, निषाद को आरक्षण दीजिए। आप अगर चाहिएगा कि किसी निषाद को नेता को गुलाम बना के रख लेंगे और निषाद का बेटा हमें वोट दे दे तो ये गलत फहमी में आप नहीं रहिए। निषाद का बेटा जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया है, ना ही कि किसी एक निषाद के बेटा को विधायक और सांसद बनाने के लिए निषाद समाज नहीं आए हैं। निषाद समाज का लड़ाई है कि हर एक निषाद का बेटा को कल्याण हो, निषाद का बेटा आगे बढ़े, निषाद का बेटा पढ़े, उसको सरकारी नौकरी मिले, हर सेक्टर में वो आगे बढ़े, ना ही कि किसी व्यक्ति को विधायक बेटा को विधायक और सांसद बनाने के लिए निषाद का बेटा पसीना बहा रहे हैं। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए कही है कि मुझे गठबंधन करना है तो किससे? हम गठबंधन करने के लिए देखिए हमने सीधा कह दिया है कि हम गठबंधन ही नहीं करेंगे। हम तो मोदी जी को ही कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि मोदी जी ही को आरक्षण देना है, सपा को या कांग्रेस पार्टी को आरक्षण नहीं देना, क्योंकि देश में सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो उन्हीं को हमने कह दिया स्पष्ट कि जब तक आप आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं होगा। रहा कि चुनाव का जो समय आएगा उस समय सोचा जाएगा कि क्या गठबंधन करना है, अभी तो सीधा हमारा उन्हीं को इशारा है कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, निषाद समाज आपके साथ नहीं आएगा। अगर जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे, जब तक हमारी सुनेंगे नहीं तब तक हम आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आरक्षण की बात करते हैं निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए और उनको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने समाज के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी किया है कि आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए, समाज की बात करना चाहिए, समाज को आरक्षण दिलाना चाहिए, ना ही कि मंत्री पद रहना चाहिए। आज हम बिहार में मंत्री थे, हम सब्जी रहने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, इसके कारण हमारा मंत्री पद भी चला गया,
हमें उसका परवाह नहीं है, तो भी आज हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको भी, वो उत्तर प्रदेश का बेटा है, निषाद का बेटा है, उन निषाद के ही दम पर आज वो बिहार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं। आज इन्हीं निषाद के दम पे बने हैं, तो उनके लिए आज आके एक मंच पे आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। जो नारा हम दे रहे हैं वो नारा उनको भी देना चाहिए कि नहीं, जब तक आरक्षण नहीं दीजिएगा तो हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये नारा उनको भी देना चाहिए और समाज के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। कितने आरक्षण चाहिए, कितने परसेंट? नहीं, हमारे जितने भी निषाद जाति के उपजाति है, जितने भी बिन बेलदार नुनिया मलाज निषाद के जितने भी उपजाति है, उनको SC का दर्जा हमारे बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार या झारखंड में OBC के। आपको बता दें कि 2024 में अपनी ताकत दिखाने के लिए मुकेश सहनी निषाद बाहुल्य सीटों में कार्यक्रम कर निषादों को उनका अधिकार याद दिला रहे हैं, और जितने भी निषाद नेता हैं उन्हें झूठा बताकर खुद को समाज का सच्चा हितैषी घोषित कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद छोड़ भाजपा के साथ आए मुकेश सहनी 4 विधायकों के साथ मंत्री बनने में सफल हुए थे, लेकिन भाजपा के मिशन लोटस में VIP पार्टी लड़खड़ा गई तो मुकेश सहनी ने मंत्री पद छोड़ भाजपा से किनारा कर लिया। सुल्तानपुर से सुजीत कसौंदन की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।